दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 5 दिसंबर 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग दो बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 मैच में रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर खेल रहे युजवेंद्र चहल पर एक बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 सीरीज को लेकर, जहां पर पहला T20 मुकाबला कल कैनबरा के मनुका ओवल के मैदान पर खेला गया। काफी रोमांचक ये मैच रहा। इस मैच में भारतीय टीम ने 11 रनों से बहुत ही रोमांचक जीत दर्ज की और इन तीन मैचों की T20 सीरीज में फिलहाल 1-0 से शानदार लीड हासिल कर ली है। लेकिन इस पहले T20 मैच में मिली शानदार जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए। मैच के बाद जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर कप्तान विराट कोहली ने ऐसा साफ किया कि एक वक्त पर जहां पर हमारी बल्लेबाजी थोड़ी लड़खड़ा गई थी, उस वक्त पर रविंद्र जडेजा ने टीम के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, जिसके चलते भारतीय टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक गई। और उसके बाद यहां पर टी नटराजन की यॉर्कर्स और युजवेंद्र चहल की फिल्की ने यहां पर वन साइडेड भारत के लिए मैच बना दिया और बिल्कुल आसानी से यहां पर इस मैच में भारतीय टीम को पहले T20 मैच में जीत मिली। और साथ ही साथ विराट कोहली ने ऐसा आश्वासन भी दिया कि इस T20 सीरीज में भारतीय टीम डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराने वाली है और यहां पर एक रोमांचक अंदाज से T20 सीरीज को जीतने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी इसी महा मुकाबले को लेकर निकल कर आ रही है, जहां पर आप सभी को पता है कि पहले भारत ने बल्लेबाजी की थी और भाई 19वें या फिर 20वें ओवर में रविंद्र जडेजा के हेलमेट पर गेंद लगी थी, जिसके बाद वो कंकशन का शिकार हो गए थे, उनको चक्कर आने लगे थे और यहां पर रिप्लेसमेंट के तौर पर कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर रविंद्र जडेजा की जगह पर युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था और युजवेंद्र चहल ने यहां पर पूरी तरह से इस मैच को पलट दिया था। आप सभी को पता है कि 3 विकेट्स निकाले थे, मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला था, लेकिन यहां पर भाई इस कंडीशन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया। जी आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईसीसी का जो कंकशन सब्स्टिट्यूट का रूल है, उसके हिसाब से यदि कोई बल्लेबाज इंजर्ड होता है तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर, उनकी सब्स्टिट्यूट के तौर पर केवल बल्लेबाज आ सकता है, गेंदबाज इंजर्ड होता है तो केवल गेंदबाज आ सकता है। लेकिन यहां पर थोड़ी सिचुएशन बदल गई थी। जी हां, ऑलराउंडर यहां पर इंजर्ड हुए थे, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर, उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक गेंदबाज को टीम में शामिल किया गया, जिसने पूरी तरह से इस महामुकाबले को पलट दिया। इसके ऊपर लगातार अलग अलग टिप्पणियां आ रही है, लेकिन जैसे ही आईसीसी की तरफ से मैच के ऊपर कोई फाइनल क्लेरिफिकेशन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले अपडेट आपको क्रिकेट इंडिया पर ही मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे सीरीज को लेकर। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वनडे सीरीज की शुरुआत बीते हुए कल यानी 4 दिसंबर से होने वाली थी, लेकिन मैच की शुरुआत से ठीक 1.5-2 घंटे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई, जहां पर ऐसा साफ किया गया कि साउथ अफ्रीका के खेमे में, साउथ अफ्रीका की टीम में हमें एक COVID-19 पॉजिटिव केस देखने को मिला है, जिसके चलते पहला जो मैच, पहला वनडे मैच होने वाला था, उसको यहां पर कोल्ड ऑफ कर लिया गया और यहां पर अब इस सीरीज को दोबारा से रीशेड्यूल कर लिया गया है। शेड्यूल की हम यहां पर बात करते हैं तो पहला वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को, दूसरा वनडे मुकाबला 7 दिसंबर को और तीसरा वनडे मुकाबला 9 दिसंबर को होने वाले, यानी दोनों टीमें आपस में 2 वनडे मुकाबले 2 दिनों में खेलने वाले। तो भाई कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की यहां पर सामत आ गई है, खिलाड़ियों को भरपाई जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जो प्रोटोकॉल बना हुआ था, जो COVID-19 का बायोसिक्योर बबल बना हुआ था, उसको ब्लीच किया गया और यहां पर टीमों को भरपाई करनी पड़ेगी, 2 दिनों में 2 वनडे मैच खेलने पड़ेंगे और भाई खिलाड़ियों को तो डेफिनेटली यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर और आईपीएल 2021 को लेकर एक नहीं बल्कि 2 बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। पहली खबर तो यह है कि भाई बीसीसीआई की तरफ से अब सोर्सेज के हवाले से ऐसी खबरें लगभग तय हो चुकी है कि
आईपीएल 2021 में हमें डेफिनेटली यहां पर 10 टीमें खेलती हुई दिखाई देने वाली है, और साथ ही साथ रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल कर आ रही है कि यदि आईपीएल 2021 में 10 टीमें पार्टिसिपेट करती है तो आईपीएल के फॉर्मेट को यहां पर पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। यहां पर जो 10 टीमें होंगी उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, ग्रुप ए ग्रुप बी, जहां पर दोनों ग्रुप्स में पांच पांच टीमें होगी, और बिल्कुल ये T20 वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट हमें आईपीएल का देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाले टेस्ट मैच को लेकर। जी हां, 6 दिसंबर से यानी कल से इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच प्रैक्टिस टेस्ट मैच की शुरुआत होने के लिए जा रही है, और सबसे बड़ी खुशखबरी है यह है कि ये जो टेस्ट मैच होने वाला है इसको सोनी टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। आप सोनी सिक्स पर मैच लाइव आने वाला है, वहां पर आप इसको लाइव देख पाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं यहां पर तैयारियां करने का मौका भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मिल गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज को लेकर। और मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि फिलहाल ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज चल रही है, इस सीरीज के जस्ट बाद इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और इंग्लैंड आपस में 12 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 T20, 4 टेस्ट और 5 वनडे मैचों की सीरीज होने वाली है। खुद सौरव गांगुली ने इस बात का खुलासा किया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस दौरे का शेड्यूल कब आएगा, इस सीरीज का शेड्यूल कब आएगा। बीसीसीआई की तरफ से रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि इस वीक के वीकेंड में हमें इस सीरीज का पूरा शेड्यूल देखने को मिल सकता है। तो भाई रिपोर्ट्स कुछ ऐसी है कि अगले 1-2 दिन में हमारे सामने इस सीरीज का पूरा शेड्यूल आ सकता है, और जैसे ही शेड्यूल आएगा तो भाई सबसे पहले आपको शेड्यूल क्रिकेट इंडिया पर ही मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है टी नटराजन को लेकर। और टी नटराजन ने फाइनली आज भारत की नेशनल टीम T20 टीम के लिए डेब्यू किया, और डेब्यू मैच में हमें उनकी तरफ से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने यहां पर अपने 4 ओवर डाले, जहां पर केवल 30 रन देकर 3 बहुत ही बड़े विकेट अपने नाम लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है, इस मैच के दौरान हमें कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में टी नटराजन नर्वस दिखाई नहीं दिए, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें उनके डेब्यू मैच में उनकी तरफ से देखने को मिला। तो दोस्तों ये आज 5 दिसंबर 2020 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करें क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.